क्या चीज पढ़ाई पता आप लोगों को, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना आपको बताया था। आज जो बता रहा हूं मैं, नाउन या जेरंड के साथ प्रोपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो उससे पहले हमें नाउन की जानकारी होनी चाहिए, जेरंड की जानकारी होनी चाहिए, जेरंड क्या है, नाउन क्या है। जब तक हमें इस चीज का नहीं पता लगेगा तो तब तक हम सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। बात समझ आई नहीं? तो या तो कोई भी टेंस है, या तो नाउन बनाएंगे, जेरंड का प्रयोग करेंगे। तो पहले हमें देखना है काइंड्स ऑफ, हमें देखना काइंड्स ऑफ, काइंड्स काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है ना। हमें सबसे पहले देखना काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो फाइव फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार बताए मैंने? फाइव काइंड। वन प्रॉपर नाउन, वन कौन सा है? प्रॉपर नाउन। टू कॉमन नाउन, कुछ याद नहीं तुम लोगों को, कॉमन नाउन। थ्री अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर कलेक्टिव नाउन कह दो, सीओ डबल एल ई सी टी आई वी, कलेक्टिव नाउन। फाइव मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। जहां तक हिंदी की बात आती है इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हम? व्यक्ति वाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव वाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थ, क्या है? पदार्थ या द्रव वाचक संज्ञा। यहां तक आपको शायद पता लग गया होगा, ये हमारे जो है नाउन, यानी कि पांच प्रकार के नाउन होते हैं, संज्ञा पांच प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसकी जानकारी लेनी है, कौन सी जातिवाचक है, कौन सी समूहवाचक है। तो जब तक हम इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम जो कुछ नहीं कर सकते। अगर हम तीन चीज को लेकर चलते हैं, एक तो लेकर चलते हैं व्यक्ति, एक व्यक्ति को लेकर चलते हैं, एक लेकर चलते हैं स्थान को, और एक है हमारी वस्तु। हमें केवल तीन चीज देखनी है, क्या देखना है? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये तीन चीज देखनी है। इसके अलावा और कोई चीज देखनी नहीं है। अगर बात आती है इन तीनों चीजों के नाम की, अगर इन तीनों चीजों का हम नाम लेते हैं, व्यक्ति को क्या कहते हैं? मोहन, सुमन, रोहन है, अगर इस तरह कहते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन। स्थान है, स्थान को अमरोहा कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, मुरादाबाद कहते हैं, तो ये आपका जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वस्तु आप रामायण कहते हो, महाभारत कहते हो, बाइबल कहते हो, तो ये आपका जो है प्रॉपर नाउन कहलाए। अगर इनके नाम नहीं लेते इन तीनों वस्तु के, अगर इन तीनों वस्तु के नाम ना लेकर इनकी जाति से हम इनको पुकारते हैं, व्यक्ति को अगर मैन कहते हैं, सीता को अगर गर्ल कहते हैं, ठीक है ना, मोहन को अगर बॉय कहते हैं, तो ये जाति हो गई। क्या हो गई? बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन, ये जाति हो गई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब इनके अगर मान लो नाम ना लेकर हम इनकी जाति से पुकारते, जाति क्या होती है? स्त्री पुरुष है,
लड़का लड़की, ये जाति कहलाती है, यानी कि बॉय गर्ल, ठीक है ना, मैन वुमैन, तो जाति कहलाएगी। तो नाम ना लेकर उनकी जाति से पुकारते तो उनको हम कहते हैं कॉमन नाम, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ऐसे स्थान, स्थान जातिवाचक कैसे बनेगा? अगर दिल्ली ना कह के सिटी कहेंगे, अमरोहा ना कह के सिटी कहेंगे, मुरादाबाद ना कह के सिटी कहेंगे, तो ये आपका स्थान कहलाएगा, यानी कि कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिटी कहने से हमें ये नहीं पता लग रहा कौन सा शहर। ऐसी वस्तु रामायण ना कह के बुक कहेंगे, हैं, महात्मा कह के ग्रंथ कहेंगे, तो अगर हम ग्रंथ या मान लो पुस्तक कहते हैं तो वो हमारी वस्तु कहलाएगी, उसका नाम ले लिया हमने तो वो हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। तो तीन ही चीज हो गए ना। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज है? भाववाचक संज्ञा। इन तीनों चीजों के अगर गुण और अवगुण की बात चलती है, मान इसके व्यक्ति, व्यक्ति में जो है स्त्री भी आती है पुरुष भी आता है, तो व्यक्ति के गुण अवगुण की बात चलती है तब हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। स्थान के गुण अवगुण की बात चलती है तो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। वस्तु के गुण अवगुण की बात चलती है तो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। गुण अवगुण का मतलब भाई अच्छा भी हो सकता बुरा भी हो सकता, नाम अच्छा भी हो सकता बुरा भी हो सकता, व्यक्ति अच्छा भी हो सकता बुरा भी हो सकता, स्थान अच्छा भी हो सकता बुरा भी हो सकता है, वस्तु अच्छी भी हो सकती बुरी भी हो सकती, तो अब गुण अवगुण उसको बोलते हैं। तो अगर इनका जो है गुण अवगुण की बात आती है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो बहुत छोटी सी बात है, जहां तक अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है जिसे हम ना तो देख सकते ना छू सकते, नाम देख सकते हैं ना छू सकते, और ना किसी पंसारी की दुकान से मोल को ला सकते। कैसे? जैसे ईमानदारी, आपका क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईमानदारी ना देख सकते ना छू सकते हैं और ना कहीं खरीद के ला सकते। बेईमानी है, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, गुड और गुड क्वालिटी बैड है, अगर गुड का जो है एंटोनिम्स की बात आएगी तो बैड आएगा। तो ये चीजें जो गुण अवगुण की बात आती है वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द, जिन शब्दों से हमें समूह होने का पता चलता है, ठीक है ना, मतलब हम एक नाम लिया और नाम लेते ही जो है उसमें समूह है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे क्लास कभी एक विद्यार्थी से नहीं बन सकती, आर्मी कभी एक सैनिक से नहीं बन सकती, ज्यूरी सभा को बोलते ही ज्यूरी कभी एक व्यक्ति से नहीं बन सकती। तो जिसके नाम लेने से ही उसका पता लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति ज्वाइंड हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नाम तो हमने एक लिया लेकिन उसमें पुलिस है, नाम तो हमने एक लिया है लेकिन उसमें बहुत सारे व्यक्ति ज्वाइंड है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास बताया है, ज्यूरी बताया है, आर्मी बताया है, ऐसी और भी हैं, ठीक है ना, और भी चीजें हैं, आप लोग पढ़ोगे पता लग जाएगा, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थ वाचक संज्ञा, जिससे पदार्थ होने का बोध होता है। पदार्थ होने का बोध कैसे होता है? मान लो है आप लोगों ने देखा मिट्टी है, है सोना है, चांदी है, है अभ्रक है, क्या है, सब पदार्थ क्यों है? तो पदार्थ के साथ साथ इसमें द्रव्य आता है, जैसे मान लो तेल आता है, कई तरह का डीजल तेल आता है, पेट्रोल आता है, खाने का तेल आता है, ये सब आपके जो है क्या मांगे मटेरियल नाउन में आते हैं। तो ये तो बात आती है हमारी काय की, नाउन की बात आती है। इसके साथ अब दूसरी बात आती है हमारी ज़िलेंड। क्या बात आती है? ज़िलेंड, ज़िलेंड, ठीक है ना। तो ज़िलेंड कैसे बनता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही ज़िलेंड कहलाता है। क्या है, ध्यान दो यहां, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही ज़िलेंड कहलाता, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ना ही ज़िलेंड कहलाता है। आप लोग बैठे हो, मैंने पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता, बताई थी बात। अब मैंने ये बात लिखी है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा आईएनजी कहलाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? हम कैसे पता करें कि ज़िलेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? मान लो कि हमने शब्द लिख दिया है गो, गोइंग। अब इसे हम कैसे पता करें ये प्रेजेंट
पार्टिसिपल है या ज़ेरेंड, ठीक है भाई। अगर मान लो मैंने गोइंग शब्द लिख दिया तो हमें क्या चल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ज़ेरेंड है। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी में जो बताया था उसमें करके हुए का अर्थ निकलता है। अगर इसका अर्थ करके या हुए है तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर इसका अर्थ इसमें क्या होगा, इसमें जो है इसमें ना नी ने का अर्थ निकलता, इसमें जो अर्थ निकलेगा वो नानी ने का अर्थ निकलेगा। क्या अर्थ निकलेगा? नानी ने। नानी ने का हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे जिसको हमने जैन बनाया है तो उसमें नानी ने आएगा। अब आपने आप कहोगे कि नानी ने पहले बताया था आपने इन्फिनेटिव में, लेकिन अंतर क्या है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नानी जुड़ रहा है वो टू से जुड़ रहा है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अगर इसका अर्थ नानी ने निकलता तो जैन है, और करके या हुए स्टार्ट निकलता है तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बात आती है तो हिंदी की बात होगी, अंग्रेजी में कैसे पता करें, तो अंग्रेजी में पता करने के लिए इसके साथ ग्रैंड के साथ हमेशा प्रोपोजिशन का प्रयोग होता है, वो लिखा भी है, ठीक है ना। ग्रैंड के साथ हमेशा कहां का प्रयोग होता है, प्रोपोजिशन का, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ कभी भी प्रोपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और वीडियो बार बार देखो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, ये आप लोगों का काम बनता है।